हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग अपने यूनिट फर्स्ट के पहले चैप्टर के साथ अपने बुक की शुरुआत करेंगे। बच्चों, आपके कोर्स में सबसे पहला चैप्टर है राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, जिसमें आपसे के तीन प्रमुख सभ्यताएं हैं, कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता और बेराट की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं प्रमुख हैं। ये तीनों सभ्यताएं ऐसी हैं जिनसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप इस तरह से एक एक तथ्य पे इस तरह से ध्यान देना ताकि आपके आगे के लिए ये काम आ सके। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर कालीबंगा की सभ्यता के साथ। बच्चों, यदि हम कालीबंगा की बात करें तो यह सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रमुख सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह सभ्यता और संस्कृति वर्तमान समय में देखें तो घग्गर नदी के तट पर यह विकसित हुई, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती या दृशद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर से हमें प्राक हड़प्पा कालीन या प्राक सिंधु सभ्यता कालीन संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं, अतः इसको सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी खोज किसने करी। 1952 में श्री अमलानंद घोष ने इस सभ्यता और संस्कृति की खोज करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। खोज करने के बाद 1961 से 1969 तक इस स्थल की उत्खनन का कार्य हुआ, जिसमें बीबीलाल, बी के थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, के एम श्रीवास्तव जैसे पुरातात्विकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सभ्यता नदियों के काठों में स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर एक विकसित नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर जब उत्खनन का कार्य हुआ बच्चों, तो वो पांच स्तरों में मिला। पांच स्तरों में यहाँ पर खुदाई की गई। एलपी टेस्सिटोरी, जो मूल रूप से इटली के थे, वो कालीबंगा में आने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्तमान समय तक भी इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य चल रहा है और हाल ही में 2019-2020 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया, जहाँ से कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ वो पांच स्तरों में हुआ, जिसमें दो स्तरों में हमें पूर्व हड़प्पा कालीन और तीन में हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विकसित अवस्था को देखते हुए, समानता को देखते हुए, उसको सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ कहा था, उसी प्रकार हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को विकसित सभ्यताओं की तीसरी प्रमुख राजधानी बताया है, जो इसकी विशेषताओं को इंगित करता है। अब यदि हम इस सभ्यता और संस्कृति की बात करें कि किन कारणों से यह सिंधु सभ्यता से समानता रखती है और क्या-क्या यहाँ की विशेषताएं थीं, तो उसमें सबसे पहला है नगर और भवन निर्माण कला। यहाँ के नगर और भवन निर्माण की बात करें तो यहाँ पर भी सिंधु सभ्यता के समान पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के प्रमाण मिले हैं। पश्चिमी टीला हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि पश्चिमी टीला उच्च क्षेत्र होता था, जहाँ पर सम्राट अमीर वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी टीला निचला क्षेत्र था, जो आम जन के लिए निवास स्थान था, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ रहते थे। पांच स्तरों की खुदाई में यहाँ पर प्राचीन नगर के प्रमाण मिले हैं।
यदि हम इन स्तरों को देखें तो उससे अनुमान लगता है कि यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति थी वो उच्च कोटि की थी। कालीबंगा का जो क्षेत्र है वो उसको विशेष शैली के अनुरूप निर्मित किया गया और जिसमें हड़प्पा और स्थानीय क्षेत्र की विशेषताओं को शामिल करते हुए भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ पर जो मकान थे वो उनके मध्य में सड़कें और गलियाँ थीं जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व की से पश्चिम की ओर जाती थी। सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण कला में भी हमें यह विशेषताएं दिखाई दी थी कि वहाँ भी सड़कें जो थी वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी दी जाती थी। यहाँ लंबे चौड़े और साफ़ सुथरे मार्ग थे जहाँ पर उनकी चौड़ाई का पूर्ण ध्यान रखते हुए 5 से 5.5 मीटर की उनकी चौड़ाई रखी जाती थी। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति भी हमें यहाँ दिखाई देती है। मकान जो थे वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर के लगभग है और हम देखते हैं कि ईंटों की चुनाई करने के बाद उन पर मिट्टी के गारे का प्लास्तर कर दिया जाता था। कालीबंगा के जो मकान मिले हैं बच्चों उनमें 4-5 बड़े कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था और कुछ छोटे कमरे भी होते थे। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। पक्के फर्श के हमें प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। मकानों के प्रवेश द्वारों के आसपास चबूतरे बने हुए थे। एक दो मकानों में पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं लेकिन ऐसा केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। यहाँ पर ईंटों को पकाने वाले भट्टे नहीं मिले हैं और इससे पता अनुमान लगाया जाता है कि ईंटों को पकाने के लिए धूप का ही प्रयोग होता था, धूप में ही ईंटें पकाई जाती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग कुओं के निर्माण में, कहीं कहीं नालियों के निर्माण में किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियाँ और मकानों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें मकान का गंदा पानी निकलता था और यह गंदा पानी चारों ओर न फैले इसके लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड एक दूसरे पर लगाकर रख दिए जाते थे जिससे बहने वाले पानी को ज़मीन सोख लेती थी, जिससे यहाँ पर गंदगी नहीं होती थी। ये सभी विशेषताएँ हमने फर्स्ट ईयर में हड़प्पा सभ्यता के दौरान पढ़ी हैं। मकानों की छत की बात करें तो छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी की छतों का प्रयोग होता था। मकानों की छतों के लिए कवेलू का उपयोग नहीं किया जाता था, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मकानों की छतों को पक्का करने की जो कला होती है उससे परिचित नहीं थे। मकानों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी के प्रमाण भी मिले हैं। भोजन को पकाने के लिए घर में चूल्हे होते थे, दोनों प्रकार के चूल्हे मिले हैं, ज़मीन की सतह के ऊपर वाले चूल्हे भी मिले हैं और ज़मीन की सतह के नीचे भी चूल्हे बनाए जाते थे। ज़मीन की सतह के नीचे जो चूल्हे बनते थे उनमें ईंधन डालने के लिए और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छेद बनाए जाते थे ताकि भोजन पकाने का कार्य ठीक तरह से हो सके और घरों में साफ सफाई भी रह सके। खुदाई के जब अंतिम स्तर थे उनमें हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं जिन्हें प्राक हड़प्पाकालीन प्रमाणों की संज्ञा दी जाती है। इस सभ्यता में यह एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो केवल कालीबंगा सभ्यता और संस्कृति से प्राप्त होती हैं। यहाँ के जो दीवारें थीं वो हड़प्पा की भांति ठीक उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं थी। यहाँ लघु पाषाण औजार तथा तांबे की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता की तुलना में अधिक प्राप्त हुई हैं। इस तरह से कुछ प्रमाण हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से समानता रखते हैं तो कुछ
अलग तरह के प्रमाण भी हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। छोटे टीले के प्रथम और द्वितीय स्तर के उत्खनन से पता चलता है कि इस टीले के चारों ओर दीवारें और खाइयाँ बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े कमरे, एक कुआ और लंबा जो दालान होता था, आंगन सा, वो होता था। इस तरह से यहाँ की नगर निर्माण कला को देखने से पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में एक विकसित नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हमें पता चलता है। अब यदि हम बर्तन और अन्य सामग्रियां जो यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं उनके बारे में पता करें, तो कालीबंगा के उत्खनन से मिट्टी के कई बर्तन और उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन काफ़ी पतले और हल्के हैं और इनको चाक पे बनाया गया था, लेकिन इन जो बर्तन थे उनमें सुंदरता और सुडोलता तथा अलंकरण का अभाव था। बर्तन जो थे वो अधिकांश लाल रंग के थे। शीर्ष और मध्य भाग में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, घुमावदार, त्रिकोण या समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया जाता था और अलंकरण के लिए फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि जो विभिन्न आकृतियाँ थीं उनको उत्कीर्ण किया जाता था। मछली, कछुए, बत्तख, हिरण जैसे पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि वो बर्तनों की अलंकरण कला से परिचित थे, लेकिन फिर भी बर्तनों में इतनी सुडोलता और सुंदरता नहीं दिखाई देती। मकानों और बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा से खुदाई में खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ थी उसमें, तांबे के औजार, कांच के मणिये आदि कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब बच्चों, प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ पर जो मुख्य मुख्य इस सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं कि कालीबंगा जो था एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो हड़प्पा सभ्यता के समान दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, भावचित्रात्मक लिपि थी यहाँ की। एक श्रृंगी बेल की यहाँ से मोहरें प्राप्त होती हैं। अग्निवेदियाँ और यज्ञ वेदियों के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शवों को जो शवाधान की जो पद्धतियाँ थी वो तीन प्रकार की मिली हैं, समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। समाधिकरण ऐसी प्रणाली थी जिसमें शव को पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में जो शव था किसी भी व्यक्ति का, उसको पूरे जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़कर बाद में जो अवशेष बचते थे उनको ज़मीन में दफना दिया जाता था, तो उसको बोलते थे आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार में जब व्यक्ति को जलाया जाता था, तो इस तरह से ये तीनों प्रणालियाँ यहाँ पर प्रचलित थी। इसके अलावा यहाँ पर दो फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे जौ और गेहूँ को एक साथ लगाया जाता था। जुते हुए खेत के प्रमाण जो प्राक हड़प्पा कालीन प्रमाण हैं वो सबसे पहले कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे पता चलता है कि यहीं से शल्य चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कपास के बीज, ऊँट की हड्डियों के और लकड़ी की नालियों के प्रमाण सबसे पहले हमें कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इस तरह कांस्ययुगीन कालीबंगा की सभ्यता अपने समय की काफ़ी विकसित सभ्यता थी, जिसे देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल होने का गौरव भी प्राप्त है। यहाँ से कई प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साथ ही यह सभ्यता पाकिस्तान की कोटदीजी सभ्यता से भी समानता प्राप्त रखती है, क्योंकि वहाँ जो कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कालीबंगा की सभ्यता से समानता रखते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये स्थल भारत की
प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इस सभ्यता के पतन की बात करें तो बाढ़ और संक्रामक रोगों को इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। इस तरह से आप इस चैप्टर में प्रतियोगी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उसको देखते हुए और बड़े क्वेश्चन में को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ें और जहाँ भी दिक्कत हो वो पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।